आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल जिसका नाम है GTPS पुरई गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर पुरई, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आपके घर में बच्चों में साइंस के प्रोजेक्ट का एटीट्यूड आएगा। साइंस के प्रोजेक्ट के एटीट्यूड से बच्चा MTA, MCA, BCA, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि में यदि प्रवेश करेगा तो उसको साइंस के एटीट्यूड से ये साइंस के प्रोजेक्ट समझना आसान हो जाएगा। नवीनतम प्रोजेक्ट की श्रेणी में मैंने एक और प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है शॉर्ट अटैच बैटरी कंप्रेसर सिस्टम। ये शॉर्ट अटैच बैटरी कंप्रेसर सिस्टम आप देख रहे हो, ये जो डिब्बी देख रहे हैं ये डिब्बी नहीं है। इस डिब्बी में एक पैड स्टैम्पिंग का वर्क कराने वाला सिस्टम लगा हुआ है जो एक मोटर के द्वारा ड्राइव किया जाता है। ये ऐसी मोटर होती है जिसमें दो पैड होते हैं, उन पैडों को आपस में पंपिंग कराया जाता है। जब ये पैड आपस में पंपिंग करते हैं तो इसमें जो कंप्रेसर होता है, प्रेशर जो हवा का दबाव होता है, वो एक नली के द्वारा बाहर आता है। ये नली के द्वारा बाहर आने से इस दबाव को, हवा के प्रेशर को हम इस ट्यूब में स्टोर करते हैं। ट्यूब के आगे से हमने इसको बंद कर दिया गया है। ट्यूब के पीछे की साइड से हमने एक नोजल लगा कर इस रबड़ की पाइप को हमने इन कर दिया, अंदर कर दिया गया। ट्यूब के ठीक बीच में एक साइकिल की टी लगा के एम सील से फिक्स करके बाहर निकाल दिया है। यह फिक्स करके बाहर निकली हुई रबड़ एयर बाहर निकालती है। प्रोजेक्ट को ऑन ऐसे किया जाता है। ये प्रोजेक्ट ऑन प्रोटेक्शन में है, ये हमारा प्रोजेक्ट ऑन हो चुका है। एक ऑन प्रोजेक्ट को हम प्रेजेंटेशन से खाली गुब्बारा जैसे आप देख रहे हो, खाली गुब्बारा है, ये ट्यूब ही खाली है, इसमें कोई हवा नहीं है, इसमें प्रेजेंटेशन करा सकते हैं। कंप्रेसर से निकलने वाली हवा धीरे धीरे ट्यूब में स्टोर होती है। स्टोर होने के बाद इस गुब्बारे में पहुंचने लगती है, अतः हमारा गुब्बारा फूलने लगता है। यदि रास्ते में कहीं साइकिल, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर आदि की हवा निकल जाए तो छोटे से उपकरण के माध्यम से हम उस टायर में इतनी हवा भर सकते हैं कि एक निश्चित स्थान तक पहुंच जाएं। ये हवा एक कंप्रेसर के पैड के द्वारा निर्माण की जाती है। इस कंप्रेसर के पैड के माध्यम से एक दूसरा फार्मूला है। किसी बोतल को हम ऐसे खिसका देते हैं, खिसकाने के बाद में बोतल को हम टॉप नली में लगा दें तो हमारी हवा फलने लगेगी। बोतल की पैड़ी में एक छोटा सा होल बना दिया जाता है। इस होल में इसकी रबड़ को बंद किया जाता है। बोतल का शेप अपने आप पहले जैसा आने लगता है।
धरती में इतनी हवा भर चुकी है कि हम चाहें तो हवा का प्रेशर इतना है कि आवाज़ तक आती है। पुनः गुब्बारे में अटैच करके हम इसका वर्ल्ड देख सकते हैं। मेरे तमाम प्रोजेक्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है GTPS पुरई गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट का GTPS पुरई। ध्यान रखें आप। नमस्कार।